करेरा पुलिस द्वारा दो प्लास्टिक की केन जिसमें 60 लीटर कच्ची शराब में एक मोटरसाइकिल कुल मशरू का 45,000 रुपए के एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया के निर्देशन में एवं SDOP करेरा श्रीमान संजय चतुर्वेदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मंगलवार की रात्रि में इलाका भ्रमण के दौरान थाना करेरा पुलिस को मुखबरी द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर दो प्लास्टिक की केन जिसमें कच्ची शराब भरकर विक्रय करने के लिए ले जाया जा रहा था। मुखबरी की सूचना की तस्दीक हेतु हमराही फोर्स की मदद से ग्राम बासगढ़ नहर किनारे मुखबरी द्वारा बताए गए व्यक्ति को रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पूरन सिंह कंजर बता राजपाल कंजर उम्र 36 साल निवासी ग्राम चकमियापुर थाना भितरवाड़ जिला ग्वालियर का होना बताया। कल रात जिको मुख द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पूरन कंजर निवासी चकमियापुर का अपनी मोटरसाइकिल से अवैध रूप से भास्कर तरफ शराब लेकर आने वाला है। उक्त सूचना पर से नहर पर दबिश गई तो आरोपी के कब्जे से 60 लीटर कच्ची देसी आग पट्टी की शराब मिली थी तथा एक मोटरसाइकिल जब्त हुई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का कायम किया गया है। आरोपी से शराब एवं मोटरसाइकिल के संबंध में पूछताछ की जा रही है।